वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत वैश्विक कोविड की मौत को सार्वजनिक करने के उनके प्रयासों में बाधा डाल रहा है। WHO के मुताबिक भारत में कोविड से मरने वालों की संख्या कम से कम 40 लाख है, जो आधिकारिक आंकड़े का 8 गुना है। इसके बाद कांग्रेस और TMC के नेताओं ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और TMC के नेता महुआ मोइत्रा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार की लापरवाही के कारण कोरोना वायरस महामारी के दौरान 40 लाख भारतीयों की मौत हुई। वहीं कोरोना से मौतों के आंकड़ों को लेकर महुआ मोइत्रा ने कहा है कि आंकड़ों का सामना करना चाहिए, इससे बचने के लिए 56 इंच का मुखौटा नहीं लगा सकते। रिपोर्ट के बाद सरकार ने उसका खंडन करते हुए कहा था कि इस तरह के गणितीय मॉडल का इस्तेमाल इतने बड़े देश के लिए मृत्यु के आंकड़ों का अनुमान लगाने में नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि PM मोदी न तो सच बोलते हैं और न ही दूसरों को बोलने देते हैं। वह अभी भी झूठ बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि मैंने पहले भी कहा था कि कोविड के दौरान सरकार की लापरवाही के कारण 5 लाख नहीं बल्कि 45 लाख भारतीयों की मौत हुई है। अब इन आंकड़ों में कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। कोरोना वायरस की वजह से हुई मौतों की गणना के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के तरीके पर भारत की ओर से आपत्ति व्यक्त करने के बाद उठे विवाद के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस गैब्रेसस सोमवार से 3 दिन के लिए गुजरात दौरे पर रहेंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। गैब्रेसस 18 अप्रैल यानी आज राजकोट पहुंचकर रात में रुकेंगे और मंगलवार को वह PM मोदी के साथ जामनगर में पारंपरिक चिकित्सा पर WHO के वैश्विक केंद्र के शिलान्यास में शामिल होंगे। इस बीच सरकार और WHO के बीच का मार्ग निकाला जा सकता है। हालांकि कोविड को लेकर राजनीति तेज हो गई है। DRB न्यूज ब्यूरो, मुंबई।